हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं माय लाइफस्टाइल प्रीति का चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ, जो कि यार पिंपल्स की समस्या हर किसी के साथ हो रही है आजकल। तो सब लोगों ने सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है कि मेरी फेस पे इस टाइप का पिंपल्स है, उस टाइप का पिंपल्स है। तो चाहे किस भी टाइप्स का आपके फेस पे पिंपल्स हो या फिर उसके दाग धब्बे हों, तो कुछ मैं नेचुरल चीज़ें लेके आई हूँ आज की वीडियो में, जो कि मैं बताऊँगी उस तरीके से आप अगर फॉलो करोगे 8 से 10 दिन में आपके जो पिंपल्स के दाग हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे आपके फेस से। और मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना फिर कि आप लोगों के फेस पे कैसा इफ़ेक्ट करेगा, तो आप लोग पक्का मुझे याद करो। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि बताया, मैं आप आज की वीडियो में लेके आई हूँ नेचुरल तरीके से आपके फेस के जो पिंपल्स हैं और उनके दाग धब्बे वो कैसे दूर होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टिप्स नंबर 1, जो कि नेचुरल सारी चीज़ें मैं नेचुरल लेके आई हूँ और आप अगर इसे यूज करोगे तो यकीन मानो आपके फेस के सारे पिंपल्स, दाग धब्बे जो भी हैं वो रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, मिट जाएंगे और आपके फेस जो है काफ़ी ग्लोई और चांद जैसा चमकने लगेगा, बिल्कुल क्लीन और शाइनी और ग्लोई करेगा, काफ़ी लाइट आएगा आपके फेस पर। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ टिप्स नंबर 1। तो सबसे पहले आपको लेना है ये एलोवेरा जेल। अगर आपके घर प्लांट है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। उसके पत्ते को काट के उसको मैश करना है और उसमें आधा चम्मच आपको दूध ऐड करना है और आधा चम्मच उसमें गुलाब जल ऐड करना है। उसे अच्छे से मिक्स करना है और रुई की हेल्प से आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। उसे 15 से 20 मिनट छोड़ देना है अपने फेस पे लगा के। उसके बाद आपको साफ पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, धो लेना है। तो ये था मेरा टिप्स नंबर 1। और टिप्स नंबर 2 जो है वो क्या है कि आपको रोज़ रात को जब आपको पिंपल्स है, दाने वगैरह और निकलने लग जाते हैं, उस टाइम पिंपल्स होने लग जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ये स्किन टोनर है, ये टोनर है एलोवेरा, ये आयुर का है, हर्बल है ये भी। तो मैं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है मेरा, ये मैं यूज करती हूँ आयुर का। अगर आप हर्बल का यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई सा भी स्किन टोनर आप यूज कर सकते हैं, कोई सा भी फेस टोनर यूज कर सकते हैं। तो इस टोनर को मैं यही टोनर यूज करती हूँ। ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है मेरे लिए और काफ़ी नेचुरल है और बहुत ही कम पैसे में ये मिल भी जाएगा आपको, 50 या 55 रुपीज़ के अंदर ये मिल जाता है। तो मैं इसे ही यूज करती हूँ, ये मेरा मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगता है और मैं काफ़ी सालों से इसे यूज करती हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद लगता है। जब भी मेरी स्किन पे दाने वगैरह निकल जाते हैं तो मैं इसे क्या करती हूँ, सबसे पहले लेती हूँ इसमें रुई और इसे ऐसे खोलना है और ये रुई लेना है आपको, कॉटन इस तरह से, और ऐसे इस तरह से भिगो लेना है और पूरे फेस पे इस तरह से ऐसे ऐसे करके आपको लगा लेना है सोने से पहले। लेकिन दिन में नहीं लगाना है इसे, आपको धूप में नहीं लगा के जाना है इसे, तो इसे आपको रात में लगाना है, सोने से पहले लगाना है। तो ये टिप्स नंबर 2 मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आपको क्या करना है, स्किन टोनर लेना है, फेस टोनर लेना है और उसे रुई में भिगोना है और अपने पूरे फेस पे इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है रात में सोने से पहले। और सुबह उठ के देखेंगे तो आप इसे 3 से 4 दिन यूज करोगे तो आपके फेस पे आपको लगेगा सारे दाने रिमूव होने लग जाएंगे, दाने जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, पिंपल्स वगैरह जो भी स्किन में हो रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और अब जब और टिप्स नंबर 3 जो है मेरा वो ये है कि सबसे पहले अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करो कि उस दौरान जो है, मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस अपना मेरा खुद का, कि अगर आपको जिस टाइम लगता है कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं और एवरीडे और आपके पिंपल्स डेली आपको लग रहा है कि नहीं डेली ये तो निकलता ही जा रहा है, बढ़ रहा है, इसकी पिंपल्स की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो उस टाइम आप क्या करो, आपको थोड़ा सा तो अवॉइड करना होगा, जैसे कि आप जंक फूड वगैरह वो सब आपको नहीं लेना है, तेल मसाले वाली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें थोड़ी सी उस टाइम आप कम कर दीजिए, तो आपको आपके जो पिंपल्स हैं ना, तेल मसाले वाले, स्पाइसी बहुत ज़्यादा बाहरी खाने, होटल्स वगैरह के खाने खाने से जो है पिंपल्स जिस टाइम ग्रो करते हैं वो और तेज़ी से ग्रो करने लग जाते हैं। तो उस दौरान आप क्या कीजिए कि ये जो बाहरी चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, स्पाइसी चीज़ें हैं, उसे खाने की कम से कम कोशिश कीजिए और पॉसिबल हो तो उसे अवॉइड करिए उस टाइम। और तीसरा जो टिप्स है मेरा और वो ये है कि सॉरी चौथा जो टिप्स है मेरा वो ये है कि अगर आपको पिंपल्स निकल रहे हैं उस टाइम, तो आप उस टाइम क्या करोगे, कोई भी सॉप यूज नहीं करो, क्योंकि मैंने जो रियलाइज़ किया वो मैं बता रही हूँ कि उस टाइम क्या करो, आपके जो पिंपल्स जिस टाइम निकल रहे हैं उस टाइम आप सोप साबुन जो है फेस पे बिल्कुल नहीं लगाओ। अगर लगाओ तो आप मेडिकेटेड साबुन लगाओ, जैसे कि हर्बल का जो सोप आता है,
नीम वाले जो सोप आते हैं वो सब आप यूज करो, और कोशिश करो कि उस टाइम पिंपल्स जब बहुत ज़्यादा स्किन पे हो तो साबुन अवॉइड करो, क्योंकि साबुन लगाने से मुझे लगता है कि उसके जो पिंपल्स के जो संख्या है ना वो साबुन लगाने से और ग्रो करती है। तो मुझे लगता है ऐसा कि उस टाइम साबुन नहीं यूज करना चाहिए, तो आप लोग उस टाइम साबुन अवॉइड करो अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो आप मेडिकेटेड सोप जैसे नीम वाले हो गए, हर्बल सोप जो आते हैं वो सब यूज करो तो काफ़ी अच्छा रहता है आपके स्किन के लिए। और तीसरा जो है वो कोलगेट है, कोलगेट आप रात में लगा के सोओगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, कोलगेट आपको रात को लगा के सोना है और सुबह वो क्या करना है कि अपने फेस को वॉश कर लेना है, साफ पानी से धो लेना है, तो इससे भी आपके पिंपल्स की समस्या दूर हो जाती है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये बहुत ज़्यादा मुझे इफ़ेक्टिव नहीं लगता है जितना कि एलोवेरा जेल लगता है और टोनर लगता है, उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगता है कोलगेट वाला टिप्स। बट हाँ कुछ तो इफ़ेक्टिव रहता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। और मेरा जो आखिरी टिप्स है वो ये है कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि अगर ये सारी चीज़ अगर आप नहीं कर पाते हो, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, आप जेंट्स हो लड़के हो तो इतना सारा आप नहीं कर सकते हो, अगर लड़की हैं तो चलो चल जाता है, बट लड़के हैं तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें क्या करना है, रात में एलोवेरा जेल लगा के सो जाना है। अगर आपके पास पौधा है, एलोवेरा का पेड़ है, प्लांट है, तो उसे आप पत्ते को अपने फेस पे अप्लाई करके रात में लगा के अच्छे से काट के उसके गूदे को अपने फेस पे लगा के सो जाइए, और सुबह साफ पानी से फेस धो लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये वाला एलोवेरा जेल आप रात में लगा के सोइए और सुबह अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, साफ पानी से धो लीजिए, और ये आपके पिंपल्स के, सूखे हुए पिंपल्स के दाग धब्बे भी हटाते हैं, प्लस पिंपल्स को भी रिमूव करते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और आप मुझे ज़रूर। तो यही था मेरा आज का यूजफुल वीडियो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और हाँ यूज करने के बाद आप ज़रूर मुझे बताइएगा ये आप लोगों को कि फेस पे कितना फ़ायदा किया है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं दावा करती हूँ कि ये 100% वर्क करता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और आपकी फेस की जो भी दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है सारी सारी रिमूव हो जाएंगी। फिर आप मुझे कहोगे कि वाह प्रीति ने सच में क्या टिप्स बताई है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।